हेलो चिल्ड्रेन, आई एम योर टीचर लवली। बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 8 का क्वेश्चन से कराने जा रही हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसका पढ़ाया था और इसका वर्णन लिखाया था। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका राइट आंसर, 3 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से एक जो होगा उसका राइट आंसर होगा। जो भी राइट आंसर होगा उस पर आप टिक करेंगे और जो भी ब्लैंक्स दिए गए हैं उसमें आप फिलअप करेंगे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है ब्रश योर टीथ डैश अ डे। ऑप्शन है वंस, ट्विश, नन ऑफ दीज। हमें दिन में कितनी बार ब्रश करना चाहिए? तो हमें दिन में वंस में सता एक बार, ट्विश में 2 बार, नन ऑफ दीज कभी नहीं, दोनों में से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर होगा ब्रश योर टीथ ट्विश अ डे। हमें प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लीन योर ईयर्स विथ अ सॉफ्ट डैश। हमें अपने कान को किससे साफ करना चाहिए? कर्टन बर्ड, मैच स्टिक्स या बोथ? कर्टन बर्ड से, मैच स्टिक्स से या दोनों से? तो हमारा राइट आंसर होगा कर्टन बर्ड। कर्टन बर्ड से हमें अपने कानों को साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूज अ डैश फॉर वाइपिंग योर नोज। जब भी आपका नोज वाइप होता है तो आपको किस चीज़ का प्रयोग करना चाहिए? तो नोज को वाइप करने के लिए आपको क्लॉथ्स का प्रयोग करना चाहिए, रग का प्रयोग करना चाहिए या हैंडकरचिप। तो आपने पढ़ा है कि हमें नोज को वाइप करने के लिए हैंडकरचिप का प्रयोग करना है। हैंडकरचिप का मतलब होता है रुमाल, तो हमेशा रुमाल का ही उपयोग करना चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन क्वेश्चन दिए गए हैं जिसका आपको आंसर लिखना है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वी कीप आवर सेल्व्स क्लीन। हम लोग स्वयं को किस प्रकार से, कैसे हम लोग साफ रख सकते हैं? तो इसका आंसर होगा वी कैन कीप आवर सेल्व्स क्लीन बाई बाथिंग। यदि हम लोग प्रतिदिन स्नान करेंगे तो हम लोग स्वयं को साफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड वी रेस्ट। हमें रेस्ट क्यों करना चाहिए, आराम क्यों करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा वी शुड रेस्ट बिकॉज इफ वी डोंट गेट एनफ रेस्ट वी मे फॉल सिक। यदि हम लोग, हमें रेस्ट करना चाहिए क्योंकि यदि हम लोग रेस्ट नहीं करेंगे, पर्याप्त तो आराम नहीं करेंगे, तो हम लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए हमें रेस्ट की आवश्यकता होती है, रेस्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेम सम एक्सरसाइजेस। कुछ एक्सरसाइज का नाम लिखना है। तो कौन कौन से एक्सरसाइज होते हैं, जैसे कि है वॉकिंग, रनिंग, स्किपिंग, साइकिलिंग एंड प्लेइंग। वॉकिंग भी एक प्रकार का एक्सरसाइज है, रनिंग भी होता है, स्किपिंग होता है, साइकिलिंग होता है एंड प्लेइंग। ये कुछ एक्सरसाइजेस होते हैं जिसे हम लोग प्रतिदिन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लिस्ट सम गुड हैबिट्स। कुछ अच्छी आदतों के बारे में आपको बताना है कि अच्छी आदतें कौन कौन सी है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं गेट ऑफ, इसका आंसर होगा गेट ऑफ अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें प्रतिदिन सुबह में जगना चाहिए। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। बी पोलाइट टू अदर्स, बी पोलाइट टू अदर्स। यदि हम लोग एक दूसरे से बात करते हैं तो हमें शांतिपूर्वक मधुरता से बात करनी चाहिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपको कुछ वर्ड्स बॉक्स में दिए गए हैं और कुछ सेंटेंस में दिए गए हैं। जो भी उसका राइट आंसर होगा उसको ब्लैंक्स में भरना है और सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं आपको ऑप्शन दिया हुआ है और दिए गए हैं नेल्स, 8 हेयर्स। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट स्लीप डैश आवर्स अ डे। हमें प्रतिदिन कितने घंटे सोना चाहिए? तो इसका राइट आंसर है वी मस्ट स्लीप 8 आवर्स अ डे। हमें प्रतिदिन 8 घंटे सोने चाहिए। कम योर डैश डेली।
हमें डेली किसमें कंघी करनी चाहिए? तो हमें डेली अपने हेयर में कंघी करनी चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? होगा कम योर हेयर डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिम योर डैश रेगुलरली, नियमित पूर्वक हमें क्या करना चाहिए? तो हमें नियमित पूर्वक अपने नेल्स को काटने चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा नेल्स, ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट। जो सही स्टेटमेंट है, सही कथन है, उसमें ट्रू, ट्रू का मतलब होता है सही, सत्य, और फर्स्ट का मतलब होता है गलत। सही ट्रू में सही और फर्स्ट में गलत। तो जो सही स्टेटमेंट होगा, सही कथन होगा, उसमें ट्रू लिखेंगे, और जो गलत कथन होगा उसमें फर्स्ट लिखते हैं। तो आपका क्वेश्चन दिया है टू बी हेल्दी वी नीड टू बी क्लीन। हमें हेल्दी रहने के लिए, स्वस्थ रहने की आवश्यकता होती है। तो ये आपका राइट आंसर है। अगर ट्रू है तो ट्रू लिखेंगे, फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखेंगे। तो ये ट्रू है तो यहाँ हम लोग ट्रू लिखेंगे, टू बी हेल्दी वी नीड टू बी क्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट बाथ ट्विस्ट ए डे। हमें प्रतिदिन दो बार बात करना चाहिए, नहाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, बिकॉज आप पढ़े हैं कि वी मस्ट ब्रश ट्विस्ट ए डे, इसलिए यहाँ फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट वियर डर्टी क्लॉथ्स। हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए। तो हमें गंदे कपड़े पहनने चाहिए, हमें गंदे कपड़े नहीं पहनना चाहिए, इसलिए ये जो कथन है ये रॉन्ग है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे फॉल्स। वी शुड कीप लॉन्ग नेल्स। हमें बड़े नाखून रखने चाहिए, हमें बड़े नाखून नहीं रखने चाहिए। तो ये भी फॉल्स होगा। वी शुड ऑलवेज वॉक बेयर फिट। हमें नंगे पैर टहलने चाहिए, तो हमें नंगे पैर नहीं टहलने चाहिए। तो ये राइट आंसर होगा फर्स्ट।